हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये फ्रंट वाली जेब बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये इतना पोर्शन बना रखा है, ये हमारे आगे का पोर्शन है। तो और ये अपने लंबाई अपने हिसाब से रखी हुई है, जितनी आपको बड़ी बनानी है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताती हूँ जेब बनाने का तरीका। ये देखिए, इतना हमने बना लिया है। अब हमने यहाँ पर बॉर्डर, ये बॉर्डर है हमारा बटन पट्टी, और उसके बाद हमने कितने चौड़ाई जेब की रखनी है उस हिसाब से हमने फंदे छोड़ने हैं। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारा डिज़ाइनर बॉर्डर है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, आप इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा वीडियो है ये, वो बुनाई है। ये देखिए, यहाँ से हमारा ये प्लेन स्वेटर शुरू होता है। तो मैं अब यहाँ से पहले 6 फंदे सीधे बनाऊँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ से मैं अपनी जेब बनाना शुरू करूँगी, यहाँ से यहाँ तक। इधर मैंने 12 फंदे छोड़ने हैं, बाकी ये सारे फंदे हमने बॉर्डर बनाना है। एक उल्टा एक सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा, इसी तरह से ये हमारा ये बॉर्डर बनता है। इधर 12 फंदे छोड़ के हमने यहाँ तक इस बॉर्डर को बनाऊंगी। दो, चार, 6, 8, 10, 12, 3 फंदे हमारे और रहते हैं। 1, 2, 3। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारे जेब का बॉर्डर बनेगा। अब आगे हमने सादा सादा 12 फंदे बुन लेने हैं। उल्टी सिलाई उल्टी बनाऊंगी, और जो यहाँ पर बॉर्डर के फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा, इसको हमने एक उल्टा एक सीधे में ही बनाना है।
देखिए, सीधा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, इसी तरह बॉर्डर कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारा ये बॉर्डर शुरू होता है। जैसे हमने ये वाला बनाया है ऐसा ही बॉर्डर हमने यहाँ पर बनाना है। एक उल्टा, फिर सीधा, फिर एक उल्टा और फिर एक सीधा। अब हमने इस धागे को इस तरह से घुमा के लाना है और इन तीन फंदों को इस तरह से सीधे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इन तीन फंदों को इस तरह से निकाल के फिर धागे को घुमा के हमने तीनों फंदे इसी सिलाई में ले लेने हैं। फिर इस तरह से घुमा के आगे हमने चार फंदे बनाने हैं, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा और फिर एक सीधा। फिर धागे को आगे लाना है और इन तीन फंदों को निकाल कर धागा यहाँ से हमने पीछे निकालना है तीन फंदों के बाद। फिर तीन फंदे इधर ले लेने हैं इस सिलाई पर, फिर पीछे से घुमा के लाना है और एक फंदा उल्टा, इसी तरह फिर चार फंदे बनाने हैं, एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा और फिर एक सीधा। फिर आगे धागा घुमा के लाएंगे और इन तीन फंदों को हमने इस सिलाई पर लेकर धागे को इस तरह से पीछे करेंगे और फिर तीन फंदे इधर लेकर आगे घुमा कर लाएंगे धागे को। फिर एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा, इसी तरह हम पूरी जेब की बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में जो बॉर्डर के हैं वो एक उल्टा एक सीधा बनेंगे और जो ये सीधे हैं इनको हमने सीधा ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले हमने इन तीन फंदों पे धागा लिया था, अब हमने इन तीन फंदों पे लेना है। ये तीन फंदे छोड़ने हैं और इन तीन फंदों पे इस तरह से धागे को लपेटना है। मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले हमने इस फंदे पर लिया था, अब इसको छोड़कर और एक उल्टा फंदा छोड़कर इन तीन फंदों पर हमने धागे को निकालना है इस तरह से। ये देखिए, चेंज करना है, मतलब इस तरह से। इसी तरह हम आगे आगे चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से डिजाइन आएगा हमारा। ये हमने सारे बॉर्डर में इस तरह डाला हुआ है। मैं बॉर्डर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इतने ही फंदे वाइंड ऑफ करूँगी, ये वाले नहीं करूँगी, सिर्फ इतने फंदे करने हैं। यानी कि 35 हमने रखे हैं बॉर्डर के, तो हमने 35 वाइंड ऑफ कर देने हैं। तो मैं उल्टी तरफ से करती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फंदे हैं ये हमने बुन लेने हैं, ये नहीं बंद करने। हमने यहाँ से फंदे बंद करने हैं। जो उल्टा है उसको उल्टा बुनना है, जो सीधा है उसको सीधा बुनना है और इस तरह से
निकाल देना है। फिर धागा घुमाना है और सीधा फंदा हमने सीधा बुन लिया और इस फंदे से निकाल दिया। फिर धागा घुमा के उल्टे को उल्टा बुना और इस तरह से निकाल दिया। इसी तरह हम सारे फंदे बंद कर देंगे बॉर्डर के। फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाएगा। तो मैं आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जेब का बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। अब मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम, ये हमने 35 फंदे का बॉर्डर रखा हुआ है, तो हम यहाँ से 35 फंदे उठाएंगे। 12 इधर छोड़ेंगे, 6 इधर छोड़ेंगे और बीच में हमने 35 फंदे उठाने हैं। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से मैं इस ऊन को काट देंगे और यहाँ से ऊन जोड़ के फिर बताती हूँ। ये देखिए आप इस तरह से पहली लाइन से आप फंदा उठा सकते हैं इस तरह से, या आप ऊन से भी उठा सकते हैं, ऊन जोड़ के और फिर फंदे उठा सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस, बाईस, चौबीस, छब्बीस, अट्ठाईस, तीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस और एक 35। ये हो गए हमारे 35 फंदे। अब यहाँ से मैं ऊन जोड़ के इसी सिलाई को ले लेती हूँ। यहाँ धागा जोड़ के अच्छे से गांठ लगा देंगे और अब हमने इधर से सीधा बुनना है और इधर से उल्टा।
ये देखिए ये जो आ रहा है उल्टा बॉर्डर, तो इधर हमने उल्टा बनाना है और अंदर की साइड हमने सीधा बनाना है इस तरह से। और जितनी हमारी जेब की लंबाई है वहाँ तक हमने इस तरह सीधा सीधा ही बनाना है, इधर से सीधा बनाना है और इधर से उल्टा। इधर से हमने उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए फ्रेंड इतना मैं यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बॉर्डर तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये हमने बुन लिया है, ये 30-35 फंदे उठा के इधर से सीधा बनाना है, इधर से अंदर की साइड और इधर से उल्टा। तो इसी तरह बना के मैं इतना बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जेब की लंबाई हो चुकी है, अब मैं इसमें जोड़ के दिखाती हूँ। ये हमने जो पहले धागा काटा था इसी में हम जॉइंट करके इधर बुन के ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। इस धागे को भी हम अंदर ही इसमें दबा देंगे इस तरह से इसके साथ साथ। अभी हमारा बटन पट्टी वाला बॉर्डर आ गया है, तो यहाँ पर एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे।
ये देखिए, अब इधर से हम बना के ले जाएंगे और ये वाले फंदे भी हम इसी में जॉइंट कर देंगे। ये बॉर्डर का डिजाइन बनाते हुए ये देखिए, हमारे फंदे ये वाले यहाँ से जॉइंट हो गए हैं जो हम पीछे बना के जेब लाए थे उससे, और ये वाले अब यहाँ से जॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह हम पूरा बुनते हुए जाएंगे सीधा सीधा। ये देखिए, अब ये फंदे भी हम इसके साथ बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी जेब बनके तैयार हो गई है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके आगे बनाएंगे। पहले मैं आपको जेब बनाकर वो सिलकर दिखा दूं। इस तरह से देखिए, ये यहाँ से फंदे जॉइंट भी हो गए हैं और हमारी जेब भी तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इसको सिल देंगे इस तरह से बराबर रख के। इसी तरह से हम एक ही लाइन में सिलते हुए जाएंगे।
ये देखिए एक तरफ से हमारी जेब सिल के सिल चुकी है। मैं दूसरी तरफ से सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हमारी ये जेब सिल चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कहीं आपको सिलाई भी नज़र नहीं आएगी इस तरह से। देखिए ये देखिए इसी तरह हम अगले वीडियो में आपको तिरछी वाली जेब बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से जो बनती है और एक साइड वाली बनती है वो भी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो और हमें सपोर्ट करते रहना, शेयर और लाइक करते रहना। और अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन या बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करके ज़रूर बताएँ। Thank you.